गुड। फिर से चॉकलेट खाई? पापा ने। हाँ हाँ हाँ। क्या है ना, चॉकलेट हार्ट के लिए अच्छी होती है। किसने कहा? यूके के डॉक्टर्स ने। ये आ गया ना, अब मैं चलूं? कार को क्या हुआ? हाँ, छोटा सा एक्सीडेंट। छोटा सा तो नहीं लगता, लगता है चार या पांच गाड़ियों ने मिलकर इसकी। हाँ, 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 ऐसा नहीं है। मेरे गिफ्ट की गुड़िया को तो देखो, उसका सर कहाँ गया? अंदर रखी है ना। सच सच बताओ, तुमने तोड़ दी ना? ज्यादा कुछ नहीं, सिर धड़ से अलग हो गया है बस। वो मेरा पहला गिफ्ट था तुम्हारे लिए, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा स्वाति, मैं इसे गोंद से चिपका दूंगा। ठीक है, इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, अब जाने भी दो। कॉफी तैयार है? कॉफी नहीं पीनी क्या? हाँ। ओ, अर्जेंट काम होगा। अरे क्या अर्जेंट, कुछ अर्जेंट नहीं है, आता हूँ ना, चलो ना पीते हैं। बैठो, कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ। शहर के वेंकटरमन कॉलोनी के तिरंगा अपार्टमेंट में एक 50 साल की औरत की कत्ल की खबर आई है। इस घटना की ताजा अपडेट्स के लिए आइए हम चलते हैं अपने रिपोर्टर रमेश के पास। हाँ हेलो। नंबर प्लेट फेक है सर। कार को फॉलो किया था? यस सर, बेगमपेट और सिकंदराबाद के बाद मेडिकल सिग्नल के कैमरे पर आखिरी बार देखी गई। ठीक है, कार की डिटेल्स फॉरेन डिपार्टमेंट को भेज दो और उस कार के ड्राइवर का भी पता लगाओ। उस रूट के सारे सिग्नल्स के कैमरा की फुटेज अपने डेटाबेस में सर्च करो। इसको हाई प्रायोरिटी केस की तरह देखो। हो जाएगा सर। गन ओनर्स की लिस्ट मिली? एक मिनट सर, सेंट्रल ब्यूरो को हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट भेज दिया सर, जवाब नहीं आया। ओके, फॉलो अप करते हैं। तुमने बुलाया? हाँ, नहीं स्वाति। वो अपने घर में थी। एक चश्मदीद गवाह हमारे साथ मौजूद है जो इस बिल्डिंग के वॉचमैन है, आइए हम उनसे बात करते हैं। उस समय यही वॉचमैन ड्यूटी पे थे, आइए हम उनसे बात करते हैं, बताइए क्या हुआ। अचानक एक गोली की आवाज आई, मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी एक आदमी काला शर्ट और काला हेलमेट पहने हुए लाल रंग की बाइक पर यहां से भागता हुआ दिखाई दिया। तभी 206 वाली आंटी की चीख सुनाई दी। मैं उस बाइक वाले को छोड़कर जब वहां पहुंचा तो देखा 207 वाली आंटी गिरी हुई थी, खून फैला हुआ था। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। क्या आपने उसके हाथ में कोई गन वगैरह देखी थी? नहीं जी, नहीं देखी। वो किस तरफ भागा था? मार्केट की तरफ भागा था। शेखर, क्या समझ में नहीं आता? कहाँ जा रहे हो? देखो मैं भी पुलिस हूँ। पुलिस जाने दो। तो पुलिस की आईडी कहाँ है? ऑफिस में छोड़ के आया हूँ, चलो जाने दो। यहाँ हर कोई खुद को पुलिस वाला या फिर विधायक का भतीजा भांजा बताता है, कैसे विश्वास करें? आइए सर, आने से पहले बता देते। अच्छा, सिचुएशन क्या है? ओ पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? वो वहां बैठी है। हम दोनों मार्केट से लौट रहे थे, मैंने घर पहुंच कर देखा कि हमारे सामान के झोले बदल गए थे। मैं वापस करने गई तो देखा दरवाजा खुला था और वो जमीन पर पड़ी थी, हर जगह खून ही खून। मैंने तुरंत वॉचमैन को बुलाया और उसी ने आपको कॉल किया, बस इतना ही। तुम्हें घर जाकर वापस आने में कितना वक्त लगा बता सकती हो? ज्यादा समय नहीं लगा था सर, लगता है ये चोरी का मामला है। घर की मालकिन को देखकर उसने गोली चला दी होगी। कुछ चोरी वोरी हुई है? सारा सामान तो टूटा फूटा पड़ा है, पर लॉकर नहीं खुला हुआ है। अच्छा, गन कौन सी थी सर? गोली की साइज बताओ। शायद 9mm की बुलेट है सर, ये देखिए। ओ, विंचेस्टर। स्नाइपर शॉट है क्या? यस, यही वो घर है यहाँ से इस घर की हर हरकत नजर आती है। एक औरत को मारने के लिए दो गोलियां। वो चाहता तो सीधे ऑटो में भी गोली मार सकता था, वहां उसने गोली क्यों नहीं चलाई? इतना तय है कि घर में कोई और भी था, वो कुछ ढूंढ रहा था। तो ये गोली उस औरत को नहीं मारी गई, ये उसके लिए थी जो घर में घुसा था।
लो भाई। अच्छा माजी चलती हूँ। हेलो 10 करोड़। कम नहीं हो सकता, लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। सौदा मंजूर है या नहीं? यादव सर बताओ। 1 मिनट सर। सर आपसे मुझे कुछ काम है। ट्रैफिक कैमरा की फुटेज छानने के बाद हमें उन दोनों की फोटो मिली सर। ड्राइवर का आईडी का पता नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, फोन बिल, करंट बिल, गैस बिल, कहीं पर भी ये फोटो लिंक नहीं है सर। सर ये बताइए कि हमारे सॉफ्टवेयर तो अपडेटेड है ना? शिखर हम जिस पर काम करते हैं वो इटालियन सीक्रेट सर्विस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे करोड़ों खर्च किए गए हैं। पता नहीं क्यों। यादव तुम आगे बताओ। सर इस आदमी का नाम याकूब अली है, ये एक शार्प शूटर है और ये बड़े लोगों के लिए ही काम करता है। 2009 में इसके मर जाने के बाद फाइल बंद हो गई थी। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया है। ओके यादव ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? जी सेंट्रल ब्यूरो के सीक्रेट ऑपरेशन के हेड चौहान ने। ये अपडेट दिया है कि ये आदमी 9 सितंबर 2009 में मणिपाल इंस्टीट्यूट के दंगों में मारा गया। ये चौहान वही है जो घूस खाता है? ये वही चौहान है सर। देखिए अभी तक जिंदा भी है सर। हो सकता है। गन किसकी थी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? नो सर, हमने इस विंचेस्टर गन की डिटेल भेजी थी पर सेंट्रल ब्यूरो से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये सेंट्रल ब्यूरो वाले तो मैं गधे ही समझते हैं। रुको मैं बात करता हूँ। शेखर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है, वो फाइल दिखाना। सर ये पिक्चर 2 दिन पहले दार्जिलिंग की है। ये दोनों वही है? यस सर, हमारे लोगों ने इसकी पिक्चर तब निकाली जब ये भाग रहा था। ये लड़का कौन है? पता नहीं सर, इसके हुड की वजह से इसका चेहरा साफ नहीं आया। तो क्या इस लड़के का पीछा किया जा रहा था? हो सकता है। इसी बात के लिए मैंने तुम्हें 31 मिस कॉल किए थे। 34 मिस कॉल्स थे सर। वो औरत जो आज मर गई वो 2 दिन पहले दार्जिलिंग में थी, ये उसकी ट्रेन और होटल की बुकिंग। जो भाग रहा था उसे भी हम नहीं जानते जी, और ड्राइवर के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। तीसरा लड़का जो दार्जिलिंग में था उसका क्या? उसका भी कुछ नहीं पता। तो याकूब अली से शुरू करते हैं। लाओ फुटेज जल्दी। शेखर तुम ये काम करना चाहते हो ना? आपको शक है क्या? योर रेजिग्नेशन? मुझे भगाने की जल्दी है। ऑलराइट फिर जरूरत हो तो बताना। ओके सर। याकूब अली आखिर शहर में आया क्यों? 2009 के बाद ही वो क्यों दिखाई दिया? मेडचल के बाद वो कहां गया? आखिर वो लोग इस लड़के को क्यों मारना चाहते हैं? इसे गन कहां से? यादव मुझे इसके दार्जिलिंग वाले फोटो दिखाओ। स्टॉप स्टॉप गो बैक। हाँ ये वाला, जरा इसके गले पे जूम करो। यस ये क्या है? सर्जिकल प्लास्टर लगा है। सर्जिकल प्लास्टर गले पे क्यों लगा है? हैदराबाद के पिक्चर्स दिखाओ। हाँ ये वाला, जूम इन। नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ यही वाला।
अब जूम करो और करो, अब इसे क्लीन करो, इसका हाथ दिखाओ, जूम, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हाँ अब इमेज को क्लीन करो। सर ड्रग्स? पक्का नशेड़ी है ये, अब ये हाथ में इंजेक्शन लेने के बजाय सीधा गले की नसों में ड्रग्स का इंजेक्शन लेता है। कोकेन? नहीं मैथ, मेथैम्फेटामिन, ये ड्रग्स सीधे गले की नसों में लेने से काफी जल्दी चढ़ता है। फिलहाल हैदराबाद में ये ड्रग्स कहाँ मिलते हैं? सर ऑपरेशन के बाद तो सारे खरीदार और बेचने वालों का सफाया हो गया है। खरीदो फरोख्त करने वाले तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन व्यापारी तो वही जमे रहेंगे। बहुत दर्द हो रहा है? मैथ खरीदने के लिए याकूब कहाँ जाता है? सीता फल मंडी। सर व्हाइट हुंडई सोनाटा आपके पीछे खड़ी है। उसका नंबर प्लेट देख सकते हो क्या? नो सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुकिए सर। बम्पर का बाया हिस्सा दिखा सकते हो? कुछ नहीं है सर। ओके, उसे वापस ले लो। शिट, क्या हुआ? वो यही है। कहाँ है वो? आपकी कार के बगल में। देना मीना तू मीना खी तू मीठा मीठा देना। सर अगर ड्राइवर यहां है तो याकूब कार में हो सकता है। नहीं वो नहीं आएगा, ड्रोन वापस ले। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप।